बॉय जो कुछ करने की जरूरत नहीं पटरी दे बोल लो स्टार्ट वो बॉय सा। हेलो गाइस, तो आज मेरे पास 204 यहाँ पे अलग अलग तरह के बॉक्स रहने वाले हैं। ये कौन सा है? यंग मैजिशियन, साइंस 61, केमिस्ट्री लैब और वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 4 बॉक्स है, जिनमें से हम आज एक बॉक्स को ओपन करके पूरा रिव्यू करने वाले हैं। गाइस अगर आप मेरी पसंद की बात करो ना, तो दोस्तों मुझे वैसे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कितने रखी 101 मैजिक ट्रिक दे रखी है। तो इसको भाई अनबॉक्स करना और इसकी सारी मैजिक ट्रिक करना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन तीनों से कौन सा बॉक्स अनबॉक्स करें। चलो ये वाला बॉक्स अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि थोड़ा छोटा है और पहले समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो चलो डिसाइड तो हो गया कौन सा बॉक्स अनबॉक्स करना है। तो इन सबको क्या करते हैं, जितने बचे हुए ना सबको साइड में इधर रख देते हैं और चलो आते साइंस 61 की तरफ। चलो तो पहले इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या निकलता है। लेकिन अगर मैं आपको ऊपर से बताऊँ ना, तो इसका नाम दे रखा है साइंस 61 और यहाँ पे लिख रखा है इसके अंदर साइंस की लगभग 60 मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब इसके अंदर सामान मिलेगा, जिससे अपन 60 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते। और जैसे मैं बॉक्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखो ये हो गया ओपन। ये देखो भाई बॉक्स के अंदर सबसे पहले मिलती है इस तरह की एक बुकलेट है, मतलब छोटी सी बुक मिली है, जिसके अंदर हमें पूरा मैनुअल दे रखा है किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, किस किस चीज की आवश्यकता होगी। चलो उसको रखते हैं साइड में। उसके बाद मिला है एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारा सामान। सबसे पहले तो इस तरह की एक फ्रिकनी मिलती है, फ्रिकनी बोलते दोस्तों वैसे डिस्क लिखा हुआ है बुक के अंदर इस तरह घुमाने की। उसके बाद इसके ऊपर लगाने के लिए इस तरह के बहुत सारे अटैचमेंट मिलते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इस तरह से देखो बहुत सारे इनसम का क्या है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद मिलता है इस तरह का एक ज्वालामुखी यानी वॉल्केन होता है ना, उसका स्ट्रक्चर मिला है जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है। इसके अंदर हम क्या है कुछ केमिकल वगैरह डालेंगे ना, उसके बाद ये एक्सप्लोड होगा मतलब ज्वालामुखी फटेगा, तो इसको भी रखते हैं साइड में। एक इस तरह का ये मिलता है, जिससे क्या पता क्या काम आएगा, ये देखेंगे मैनुअल पढ़ने के बाद पता लगेगा। उसके बाद मिलता है एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास, ये देखो दिख रहा है क्या, छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकिन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद ये पैकेट है, इसके अंदर भी कुछ बीकर वगैरह देखे, चलो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। भाई पैकेट की क्वालिटी तो काफी अच्छी है, चलो खाली करते हैं कितना कितना सामान मिला है। और भाई उड़ गया, सबसे पहले तो इस पैकेट के अंदर है 4 थर्मोकोल बॉल, जो कि दोस्तों अभी अभी उड़ गई थी तो अभी ढूंढ के लाए। और यहाँ पे दिखाओ, 2 तो इस तरह के बीकर मिलते हैं, एक तो येलो और एक यहाँ पे रेड, छोटे छोटे साइज के। एक यहाँ पे एक फनल मिलता है, क्या पता ये इस तरह से केमिकल डालने में काम आए। और एक तरफ से यहाँ पे कुछ छोटा सा पिल्लर टाइप का मिलता है, जो भी लगता है कुछ एक्सपेरिमेंट में काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हमें मिलता है इस तरह का एक पैकेट मिला है, चलो उसको भी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या निकला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 2 स्ट्रॉ निकलती है, एक तो क्या थोड़ी हार्ड वाली स्ट्रॉ है, चलो इस बॉक्स को साइड में करो, एक तो ये हार्ड वाली स्ट्रॉ है जो कि थोड़ी मजबूत है, और एक ही दोस्तों जिसे अपन जूस वगैरह पीते ना वो वाली स्ट्रॉ है, इसको रखते हैं साइड में। और पैकेट के अंदर और कुछ मिलता है, वो इस तरह का एक पूरा पेपर से बना हुआ ये चीज़ मिली हमें, जिसके अंदर एक तो इस तरह का संदे रखा है जो कि दोस्तों मुझे लगता है कुछ डिग्री या फिर कुछ टाइम वगैरह मेजर करने के लिए। उसके बाद दोस्तों इस तरह का कवर मिला है। और लास्ट में हमारे पास मिलता है इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, जो कि दोस्तों किस तरह से काम करेगा वो हम बुक में पढ़ेंगे। चलो तो भाई ये बॉक्स है पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पे देखते कुछ वो तो भाई इसके अंदर भी कुछ नहीं है, तो इस तरह का लगा रखा है। लेकिन बॉक्स के हिसाब से और उसकी प्राइस के हिसाब से ना सामान बहुत ज्यादा कम निकला है, अब देखते इससे 61 एक्सपेरिमेंट हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते, वो तो इस बुक को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट क्या लिखा है, टेबल टॉप वॉल्केनो। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्केनो देखो, ये रहा वॉल्केनो अपना, ये वॉल्केनो है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है वो यहाँ पे दे रखी है। गाइस यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, क्या है भाई, जो पहला एक्सपेरिमेंट है ना इसको करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, जो कि हमें बॉक्स पे कहीं पे भी नहीं मिली है और वो मेरे पास घर में भी नहीं है। जो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो वॉशिंग लिक्विड है, उसके बाद क्या है बेकिंग सोडा है, और यहाँ पे विनेगर दे रखा है, तो विनेगर वगैरह तो यार नॉर्मली घर में नहीं मिलता। चलो तो फिर इस बुक को साइड में रखते हैं और इस वॉल्केनो को अपने तरीके से दोस्तों एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है अगर मैं अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा ना तो बहुत अच्छा चलेगा ये। गाइस पहले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यानी इस ज्वालामुखी को फोड़ने के लिए हमें इन सामान की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो थोड़ा सा पानी, उसके बाद इस तरह के वाटर कलर, साथ में ये तो हमें बॉक्स के अंदर मिल गया था, इस तरह के छोटे छोटे कप, साथ में इनो। और दोस्तों इसके अलावा हमने जितना भी सामान है सारा अपनी तरफ से ऐड किया है, इसमें हमें कुछ नहीं मिला ओनली इस वॉल्केनो को छोड़ के। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे से कप के अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन रहेगा एक्सप्लोर करने के लिए। अब डालते हैं इसके अंदर रेड वाला वाटर कलर, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो लावा निकलता है ना वो हमेशा रेड कलर का होता है, तो चलो इसकी मदद से इसको निकालते हैं थोड़ा सा कलर। तो ये डाल दिया अपने कलर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन यानी ज्वालामुखी की लावे को। चलो अपना एक कलर तो रेडी हो चुका है, इसको करते हैं साइड में और इसको लेते हैं बीच में। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इनो लेंगे और इसके अंदर बीच में डाल देंगे, जिससे क्या ये जैसे अपन पानी डालेंगे उस तरह से एक्सप्लोर कर जाएगा ये। चलो डालते पहले इनो, भाई ये इनो ना इसकी मदद से ज्वालामुखी बहुत अच्छा फटेगा, बहुत अच्छा। अब चलो ज्वालामुखी करते एक्सप्लोर, 3, 2, 1 स्टार्ट। वो बॉय साहब वाओ कितना मस्त यार, वो डाल दिया ना, वो धुआं भी निकल रहा है इसमें से, तो ओ भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया, यस यार कितना मस्त हुआ। दोस्तों यहाँ पे देखो धुआं निकल रहा है ज्वालामुखी के अंदर, तो मतलब बहुत गर्म है लावा, हाथ नहीं लगाना अपन को यार, देखो कितना शानदार लग रहा है ये।
वाओ यार बहुत मस्त एक्सपेरिमेंट था ये तो। गाइस पहला एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा मस्त रहा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, तब अपन इसको ग्रीन कलर के साथ ट्राई करते हैं। करूंगे स्टार्ट, 3 2 1 ये स्टार्ट। ओ भाई साहब यार कितना शानदार, मस्त यार। धुआं देखो कैसे निकल रहा है, जिसको लावा में से धुआं निकल रहा है केमिकल वगैरह से। गाइस अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें इन सामान की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोस्तों यहाँ पे एक तो बीकर, साथ में मैग्नीफाइंग ग्लास और साथ में इस तरह का एक कवर दे रखा है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तीनों चीज हमें कोई एक छोटी सी चीज, मतलब कोई इंसेक्ट वगैरह, कोई कीड़ा वगैरह या फिर कोई पत्ते वगैरह कुछ भी चीज इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, उसके ऊपर इस तरह के कवर को लगाना है, कवर दे रखा है किताब के अंदर, तो इसको लगाना है और इसकी मदद से इसको देखना है। चलो देखते क्या होता है। दिख रहा है कुछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो। दोस्तों वैसे तो कोई नॉर्मली चीज है, एकदम बिल्कुल कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस क्या इसकी मदद से अपन इसको बड़ा देख सकते हैं और वैसे कोई ज्यादा साफ नहीं है कि बढ़िया दिख रहा है। चलो क्या करते हैं साइड में, तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब दोस्तों तीसरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए दोस्तों इस तरह की, पहले तो एक डिस्क, चलो मैं लाला के रखता हूँ, उसके बाद चाहिए एक इस तरह का, ये क्या कहते हैं इसका, कवर चाहिए दोस्तों। अब कवर को क्या करना है, इसके अंदर लगाना है इस तरीके से, और कवर लगाने के बाद हमें करना है इसको घुमाना। दोस्तों क्या इस डिस्क है ना, इसके ऊपर देखो कितने सारे कलर दे रखे, तो क्या जैसे अपन इसको घुमाएंगे ना तो सारे कलर मिक्स हो जाएंगे और हमें व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है। देखो आपको वीडियो में शायद दिख नहीं होगा, लेकिन जो रियल आंखों से देख रहा हूं मैं, तो मुझे एकदम व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है और मतलब बिल्कुल सफेद दिख रहा है, कोई सब कलर नजर नहीं आ रहा। चौथा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, यहाँ पे इस तरह का सामान लाना पड़ेगा पहले तो। पहले तो दोस्तों हमें इस तरह का एक पाइप चाहिए, जो कि हमें पूरे बॉक्स के अंदर मिल चुका है, साथ में कागज के टुकड़े और साथ में एक ऊन का टुकड़ा चाहिए हमें। दोस्तों पहले क्या है, इस पाइप के टुकड़े को हमें दोस्तों किसी ऊन वाले मतलब कपड़ा होता है ना उसके ऊपर रफ करना पड़ेगा, उससे अच्छा अपन बालों में रफ कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ऊन से भी। तो रफ करने के बाद यहाँ पे डाल दी मैंने कागज कुछ टुकड़े, और रफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रफ कर लेते हैं पहले सिर में, और जैसे मैं इस पर आऊंगा ये देखो इस तरह का मैजिक है, मतलब इसमें चिपक जाएंगे, इस तरह का मैजिक रहने वाला है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए इस तरह का सन, जो यहाँ पे या मतलब बॉक्स में दे रखा है हमें, साथ में इस तरह का ये चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेना है और इसके अंदर इस तरह से लगा देना है। और दोस्तों दो भाई लो भाई आपने बोला, और यहाँ पे धूप भी निकल गई। हमें क्या इसके लिए धूप की जरूरत है, बिल्कुल एकदम 12 बजे, बिल्कुल 12 बजे हमें इसको क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में रख देना है। सेंटर में रखने के बाद क्या होगा, अपने आप इसके ऊपर सूरज की किरण पड़ेगी, उसके बाद दोस्तों टाइम को शो करेगा। बुक के हिसाब से क्या है, जैसे इसके ऊपर परछाई पड़ेगी ना, तो ये इसकी मदद से यहाँ पे परछाई बनेगी, और परछाई की मदद से ये टाइम को शो करेगी। जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह का पूरा एक्सपेरिमेंट रहने वाला है। छठे नंबर के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पे इस तरह का कार्ड दे रखा है, जिसपे एक फुटबॉल प्लेयर बन रहा है। हमें क्या करना है, इस कार्ड को इस तरह से बंद करना और इसके दोनों तरफ रबर बैंड लगाने। तो पहले रबर बैंड लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। कार्ड के ऊपर रबर बैंड लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रेडी करना, मतलब इसके अंदर थोड़ी ताकत बननी पड़ेगी, इसका रबर बैंड को घुमाना पड़ेगा, इससे इसके अंदर क्या है थोड़ी एनर्जी सेव हो जाए। और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा आपको लगेगा जैसे ये फुटबॉल प्लेयर बॉल को लात मार रहा है। ये देखो 3 2 1 स्टार्ट, ये देखो दिखा दोस्तों, मुझे तो वैसे साफ साफ दिखा, लेकिन मोबाइल के अंदर ये दिखा नहीं दिखा मुझे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये। 7 नंबर के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए वापस से इस तरह की डिस्क, साथ में इस तरह की 4 अटैचमेंट, जिनको हम इसमें लगाएंगे और इस तरह के मतलब अलग अलग तरीके में मतलब जो कैरेक्टर है ना वो दिखेंगे, मतलब डिजाइन दिखेगा अलग अलग। सबसे पहले ये रेनबो कलर वाला डिस्क लगाएंगे, ये यहाँ पे फिट किया और इसको घुमाते हैं, ये घुमा दिया। अब दोस्तों मुझे देखने में बिल्कुल व्हाइट लग रही है, लेकिन दोस्तों आपको कलरफुल लग रही होगी मेरे हिसाब से, लेकिन देखने में बिल्कुल व्हाइट लग रही है मुझे तो। अगली वाली है ब्लैक और व्हाइट वाली, चलो उसको भी घुमाते हैं। अब देखो ये देखने में बिल्कुल ग्रे कलर लग रहा है, लेकिन दोस्तों आपको मोबाइल में कैसा लग रहा है वो मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में बता देना आप, ठीक है मुझे पता लग जाएगा। ये देखो बिल्कुल व्हाइट लग रही है, ग्रे जैसा लग रहा है मतलब। अगला है दोस्तों ये आधा ब्लैक और आधा व्हाइट, तो चलो उसको भी घुमाते हैं। तो भाई ये पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे में लाइनें बन रखी हो, लेकिन फिर भी ये सही है लगभग। उसके बाद ये कलरफुल वाला, चलो उसको भी लगाते और घुमा के देखते हैं, इसको भी देखने को मिलता है। चलो 3 2 1 स्टार्ट, वो घुमाएंगे। ये देखो मुझे इसके अंदर 3 कलर दिख रहे हैं, येलो, ग्रीन और ब्लू वाला। अब आपको पता नहीं कौन सा दिख रहा है, मुझे लगता है रेनबो टाइप का दिख रहा होगा शायद, लेकिन मुझे 3 कलर देखने को मिल रहे हैं। गाइस धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, इसलिए क्या है हमको टेबल पे पानी डाल के इसको ठंडा करना पड़ रहा है, नहीं तो जैसे हम इसको टच कर रहे ना बहुत ज़्यादा जल रहा है यहाँ पे, इसलिए दोस्तों इसको पानी डाल के थोड़ा ठंडा कर लेते पहले। तब तक आप लाइक कर देना इस मजेदार वीडियो के लिए, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस मजेदार वीडियो देखेंगे। चलो भाई टेबल तो ठंडी हो गई थोड़ी बहुत, अब देखते हैं अगला एक्सपेरिमेंट क्या है। तो अपने पास 8 नंबर पे दोस्तों इस तरह का रहने वाला एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए, बीकर चाहिए और यहाँ पे इस तरह की थर्मोकोल बॉल चाहिए। तो पहले लेते हैं इस तरह का एक बीकर, साथ में लेते हैं इस तरह की एक थर्मोकोल बॉल, और इसके साथ में क्या है दोस्तों एक और बीकर चाहिए हमें। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें फूक मारनी है, फूक मारने से क्या होगा इसकी जो बॉल है ना वो उड़ के इसमें तरह कैच करनी है। देखो इस तरह कैच करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, और यार मिस हो गया थोड़ा सा, इस तरह से कैच करना है दोस्तों। गाइस इसके लिए तो क्या आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस गेम को सीख जाओगे, नहीं तो फिर चलो अपन तो अगले पे बढ़ते आ जाओ। अगले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए इस तरह की स्ट्रो, जो कि दोस्तों हमें बॉक्स के अंदर मिली है, और साथ में इस तरह की थर्मोकोल बॉल। हमें क्या करना है, पहले तो दोस्तों स्ट्रो है ना इसको इस तरह 4 टुकड़ों में काट लेना है,
उसके बाद बॉल को रखना है यहाँ पे, उसके बाद मैजिक होगा दोस्तों क्या स्ट्रोक को इस तरह से फैलाना है। और ये एक्सपेरिमेंट वहीं पे होगा जहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, इसलिए दोस्तों हम कमरे में आ गए। आपको रखना है इसे यहाँ पे और देखो इस तरह से बैलेंस करना है इसको। अरे गाइस हमने इसको बहुत बार ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंस हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। एक बार दोबारा करते हैं, वो देखो वापस गिर गया। इस तरह से आपको बैलेंस करना है लेकिन इसके अंदर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है गाइस। तो इसके आगे जो भी एक्सपेरिमेंट है ना उनको करने के लिए हमें या तो कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी, एक या दो अपने दोस्तों ने चाहिए, इसलिए हम इनको स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते इस वाले एक्सपेरिमेंट में। ये तो दोस्तों मैं क्या हर बच्चे ने एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को कर रखा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर में क्या है गुब्बारे फुलाते हैं बबल, सो बबल उनका पूरा एक्सपेरिमेंट रहने वाला। तो चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। बबल वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ों की जरूरत है जो कि मैंने सारी यहाँ पे इकट्ठा कर लिए। ये वाली चीज़ तो मैं खुद लेके आया हूँ और ये वाली हमें दोस्तों बॉक्स के अंदर मिली है। सबसे पहले हमारे पास इस बोतल के अंदर है बबल लिक्विड, जो कि दोस्तों आप शैम्पू वगैरह साबुन वगैरह किसी भी चीज़ से बना सकते हो। थोड़ा सा हम क्या करेंगे थोड़ा सा लिक्विड यहाँ पे निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। आपको एक बड़ा बर्तन लेना है इसके लिए, छोटे बर्तन में काम नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे स्टिक है ना इससे बबल बना के देखते, देखो बन रहे, देखो छोटे इससे आप छोटे बबल्स बना सकते हो। अब आते हैं इस फनल के ऊपर, इससे क्या आप थोड़े बड़े वाले बबल्स बना सकते हो। चलो देखते कौन से बनते। वो ओ फूट गया, आंखों में गया, वो वो फूट गया। अब चलो ट्राई करते हैं इससे, इससे क्या है सबसे बड़ा बबल फूलेगा, तो इससे करते हैं। दोस्तों जितना बड़ा ये बबल है ना इसको फुलाना उतना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखो अपने आप फट जाता है, देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो बबल लो, ये लो देखो अपने आप ही, देखो ये निकल रहे अपने आप ही, मुँह में कुछ हवा नहीं मार रहा, देखो अपने आप निकल रहे सारे। गाइस मैंने क्या है पूरी बुक का एनालिसिस कर लिया, मतलब पूरी बुक को पढ़ लिया है, इसके बाद मुझे यही पता लगा है अब इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना सारी चीज़ों को करने के लिए हमें दोस्तों खुद की तरफ से चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ेगा। अगर आपको साइंस 61 का पार्ट टू चाहिए ना जिसके अंदर हम सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब पूरी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट टू लिख देना। अगर नहीं चाहिए तो फिर अपने जो अगले और बुक्स थे ना अपने पास जैसे केमिस्ट्री लैब हो गया, वर्ल्ड ऑफ साइंस हो गया, यंग मैजिशियन हो गया, उनको अनबॉक्स करेंगे, तो ये फिर पार्ट टू या फिर उन तीनों को बता देना। अगर आप इसकी प्राइस जानना चाहते हो तो दोस्तों प्राइस मैं आपको बताऊंगा, इसकी प्राइस यहाँ पे MRP दे रखी है 465 रुपये, दिखाना बिल्कुल जूम करके दिख रहे हैं साफ साफ 465 रुपये इसकी प्राइस दे रखी है, लेकिन मुझे मार्केट में ऑफलाइन में मिला है 230 रुपये के अंदर। लेकिन अगर आपको इसको खरीदना है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो और अच्छे अच्छे 61 एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो वीडियो करते हैं पे एंड, मजा आया तो लाइक कर देना क्योंकि आपके लिए इस मजेदार वीडियो लाते रहते हो, तो लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब करना इसी मजेदार वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।